एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकल ज्ञात करना इसका समाकल ज्ञात करने के लिए हम पीएक्स प्लस क्यू को दो ऐसे भागों में विभक्त करते हैं जिनमें से एक भाग हर अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक होता है तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना पीएक्स प्लस क्यूल टू कैपिटल एम इन डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल एन अब डी बाई डी एक्स के बाद जो फलन लिखा गया है उसका अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा टू ए एक्स प्लस बी तो इस प्रकार हमें मिल रहा है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल एम इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल एन तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू टू एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू बी प्लस कैपिटल एन एक्स की समान घातों वाले पदों के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में एक्स का जो गुणांक है यह पी है और राइट साइड में जो एक्स का गुणांक है यह है टू ए एम तो हम लिखेंगे टू ए एम इक्वल टू पी तो इस प्रकार हमें मिल रहा है एम इक्वल टू पी बाई टू ए दूसरा कि लेफ्ट साइड पर जो गुणांक है या अचर राशि है या क्यू है और राइट right साइड में एम बी प्लस एन तो यहां से हमें मिल रहा है एन इक्वल टू तो हम इसे लिखेंगे कि एम बी प्लस एन इक्वल टू क्यू द्लाइस एन इक्वल टू क्यू माइनस एम बी अब एम का जब हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एन इक्वल टू क्यू माइनस एन इक्वल टू क्यू माइनस

अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स तो राइट right साइड में जो पद हमें मिल रहे हैं अंश में देखा जाए तो दो अलग अलग पदों के योगफल के रूप में है तो उनको अलग अलग रूप में लिखेंगे तो हमें आगे मिल जाएगा इक्वल टू p टू ए इंटीगेशन इंटू इंटीगेशन साइन पीएपॉइन टू ए इंटीग्रेशन साइन टू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट में है क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन ए एक्स कि आप जानते हैं कि टू ए एक्स प्लस बी जो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक है तो इस प्रकार हम लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करते जा रहे हैं p अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट में q माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि अंश में f डेस ऑफ x और हर में f ऑफ x हो और इसका समाकलन हमें करना हो तो हमें मिलता है log ऑफ f ऑफ x अर्थात हर में जो पद है उसका लघुगणक हमें मिलता है तो इस प्रकार हमें आगे मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू पी अपॉन टू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ब्रैकेट क्यू माइनस पी बाई टू ए एंटू इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी माना कि यह समीकरण एक है अब पूर्व में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन क्या होता है ये होता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन टू ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए ये तब की स्थिति है जब फोर ए स्क्वायर इज लेस देन जीरो

टू एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वासी माइनस बी स्क्वा फोर ए सी माइनस बी हैं दूसरी स्थिति पर इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू पी बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इन ब्रैकेट क्यू माइनस बाई टू b वन अपॉन स्क्ट ओवर स्क्वायर माइनस फोर एसी यह तब की स्थिति है जब फोर एसी माइनस बी स्क्वासो तो यह मूलभूत अवधारणा है इस अवधारणा का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को सरल करेंगे याद रखिए कि इसे हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है यदि आप प्रक्रिया को समझते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप किसी भी प्रश्न को सरल कर सकते हैं चलिए आइए देखते हैं प्रश्नावली के कुछ प्रश्न प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स का समाकलन हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं यह थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे कि माना I इक्वल टू ये जो दिए गए फलन है इसका समाकलन I के बराबर है ये टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये dx. इसके लिए हम पुनः प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं और लिखते हैं कि अंश में जो पद है वह एक अचर राशि M और हर में दिए गए पद के अवकलन के गुणनफल और एक अन्य अचर राशि के योग के बराबर है अब इसे सरल करते हैं तो ये मिल जाएगा थ्री एक्स प्लस वन एम एम इन इसका आकलन करेंगे तो मिल जाएगा फोर एक्स प्लस वन प्लस एन इसमें एक्स वाला पद है तो इसको जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा फोर एम इन एक्स प्लस एम प्लस एन तो ये एम प्लस एन ये ऐसा राशि है एक इसके बराबर होगा और फोर एम जो होगा ये थ्री के बराबर होगा तो गुणांकों की तुलना करने पर देखिए, पर एक्स है यहां पर भी एक्स है यहां पर 4m है यहां पर 3 है तो हम लिख सकते हैं 4m एम इक्वल टू थ्री सोल्व करने पर आपको मिल जाएगा m 3 4. अब m N है यहां पर राइट में और यहां पर 1 है तो आप लिखेंगे m प्लस एन इक्वल टू वन या फिर एन इक्वल टू वन माइनस एम और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस थ्री बाई फोर ये आपको मिल जाएगा वन बाई फोर तो इस तरीके से एन इक्वल टू हमें मिल रहा है वन बाई फोर एम का मान मिल चुका और एन का मान मिल चुका तो अब हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इसके स्थान पर हमें ये पूरा पद लिखना होगा एम एम के स्थान पर हमें मिला है थ्री बाई फोर डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एन एन के स्थान पर है आपका वन बाई फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन देखिए थ्री बाई फोर ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और डी एक्स अपऑन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इस प्रकार के जो फलन हैं आपने पढ़ा है कि ये एफ डैस एक्स अपऑन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इस प्रकार अगर फलन समाकलन में हो तो इसका हल आपको मिलता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हर में जो पद है उसका लघु गणक तो यहां से हम लिख सकते हैं थ्री बाई फोर स्टम टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अब माना कि ये जो दिया गया पद है ये I2 के बराबर है अर्थात I2 टू इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो थोड़ी देर पहले हमने जो सरल किया था इस प्रकार के प्रश्नों को कि हर में जो दिया गया पद है उसे पूर्ण वर्ग दो अलग अलग पूर्ण वर्ग के योग के बराबर या योग या अंतर के रूप में लिख करके हम आगे सरल करते हैं ये जो समीकरण है इसे हम मान लेते हैं कि समीकरण एक है अब हम I2 टू का मान निकाल करके इस दिए गए या ये जो प्राप्त हुआ समीकरण है उसमें यह मान रख देंगे चलिए आइए सरल करते हैं ये जो आई टू इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है इसे तो आई टू इक्वल टू है इंटीग्रेशन प्लस प्लस तो जैसा कि आप जानते हैं कि टू ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो टू को इन पूरे पदों से हम उभनिश निकालेंगे और एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के इस प्रकार के एक्सपेंशन में आएगा क्योंकि यहाँ पर जो मध्य पद है इसमें ये धन चिन्ह लगा हुआ है तो यह आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में तो यदि आप हर में से दो को भनिष्ट ले लें तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉइन टू प्लस वन अपॉइंट टू अब मध्य पद में हमें टू एक्स वाई इस फॉर्मेट में चाहिए तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि कुछ पदों को जोड़ देंगे और कुछ पदों को घटा देंगे तो ये एक्स स्क्वायर है मैं दो का गुणा कर रहा हूं और दो का भाग कर रहा हूं ये टू और फिर ये ए और इन दोनों पदों का गुणनफल बी के फॉर्म में या फिर वाई के फॉर्म में होगा प्लस देखिए वन बाई फोर ये प्रथम पद एक्स हो गया टू एक्स वाई तो ये टू और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर वन बाई फोर का स्क्वायर मतलब ये ये हम हम जोड़ रहे हैं और ये हम घटा रहे हैं और ये 1 by 2. तो प्रथम तीन पद यहां से हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा और इसको हम आगे सरल कर लेंगे तो ये वन बाई फोर देखिए ये टू है और फोर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं मिल जाएगा एट डी एक्स अपॉन ये आपको मिल रहा है एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर और जब इसको आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिक्सटीन और ये एट माइनस वन सेवन तो इसको आप लिख सकते हैं वन बाई एट इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस रूट सेवन अपॉन फोर का स्क्वायर अब चूंकि आपने यह पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वन अपॉन ए टेन इन एक्स अपॉन ए इस फार्मूले से हम इस दिए या इस फलन का समाकलन निकाल सकते हैं यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स प्लस फोर है तो माना कि एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू टी तो यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी इस फलन का समाकलन हमें मिल रहा है वन बाई एट इंटीग्रेशन साइन डी के स्थान पर हम डी लिखेंगे और इसके स्थान इस पर हम लिख रहे हैं टी स्क्वायर और ये रूट सेवन बाई फोर अब डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आ चुका है यहां पर एक्स है और यहां पर टी है यहां पर ए है और यहां पर ये यह फलन है तो वन अपॉन ए वन अपॉन स्थान पर है रूट सेवन डिवाइडेड बाई फोर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स के स्थान पर है यहाँ पर टी अपॉन ए और के स्थान पर है रूट सेवन अपॉन फोर और प्लस सी जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है आगे सरल करेंगे तो ये जो फोर है ये अंश में चला जाएगा फोर अपॉन एट मिल जाएगा वन बाई टू सरल करने पर मिल जाएगा वन अपॉन टू वन अपॉन टू रूट सेवन टेन इनवर्स फोर और टी के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई फोर अपॉन रूट सेवन और सरल कर लें तो मिल जाएगा वन अपॉन टू इन रूट सेवन यहां पर हम प्लस सी समाकलन यंक लगा सकते हैं टेन इनवर्स ये फोर एक्स प्लस वन और अप फोर ये फोर और ये फोर कैंसिल हो जाएगा तो स में आपको मिल रहा है फोर एक्स प्लस वन अपॉन रूट सेवन प्लस सी ये हमें आई टू का मान मिला है और समीकरण एक में यदि हम मान रख दें तो हमें इस प्रकार मिल रहा है आई इक्वल टू थ्री बाई फोर लॉग ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस आई टू और आई टू का मान हमें मिल रहा है वन बाई टू रूट सेवन टेन इनवर्स फोर एक्स प्लस वन अपॉन रूट सेवन प्लस सी यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री देखा जाए तो अंश का जो घात है ये भी दो है और हर में जो पद दिया गया है इसका भी घात दो है तो इसे भाग दिया जा सकता है और आगे और सरल किया जा सकता है तो दो तरीके से हम सरल कर सकते हैं या तो हम सीधा भाग दे दें तो कुछ इस देंस थ्री एक्स माइनस थ्री और ये है आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है एक बार भाग चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और जब आप घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह ये ऋण चिन्ह और ये धन चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा तो ये मिल जाएगा माइनस थ्री एक्स और प्लस थ्री तो इस प्रकार ये जो पद है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस ये माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री या फिर इसमें आप परिवर्तन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं इन दोनों से यदि माइनस चिन्ह को आप कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री और ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अब इस फलन का हम समाकलन कर सकते हैं अब देखिए यदि आप इस तरीके से भाग से नहीं जाना चाहते हैं तो सीधे तौर पर भी हम इसमें कुछ पदों को जोड़कर और कुछ पदों को घटाकर सरल कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से देखिए ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री तो अंश में इसी पद को जोड़ दीजिए और अंश में इसी पद को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ये हमने जोड़ दिया और थ्री एक्स माइनस थ्री इस पद को हमने घटा दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अब ये पद को अलग कर दीजिए और इस पद को अलग कर दीजिए तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और फिर ये माइनस साइन थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ये माइनस थ्री सरल करने पर आपको मिल रहा है ये वन मिल गया वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी विधि का उपयोग कीजिए आपको दो अलग अलग आंशिक भिन्नों के रूप में जो मिल रहा है वो इसी तरीके से मिल रहा है ये देखिए ये दोनों सेम है अब इस फलन को आगे हम समाकलन कर सकते हैं तो माना कि दिए गए फलन का जो समाकलन है आई है इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री डीएक्स इस पद को सरल करने पर हमें ये पद मिला है तो हम लिख सकते हैं दिस वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री डी एक्स ये दो अलग, अलग अलग पदों का अंतर है तो ये डीएक्स फिर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री डी एक्स इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा एक्स और ये जो दिया गया पद है इसको हम मान लेते हैं कि माना ये आई टू है और ये समीकरण एक जहां आई टू या इंटीग्रेशन टू ये है थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री तो इसको हम सरल करेंगे और समीकरण एक में रख देंगे तो आगे हमें उचित मान प्राप्त हो जाएगा जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है चलिए आगे देखते हैं ये I2 को किस प्रकार सरल करेंगे तो I2 टू इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री डी इस प्रकार के प्रश्नों को हम सरल कर चुके हैं जहां पर हम अंश में जो दिया गया पद है उसे m इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो हर में दिया गया पद है इसका अवकल गुणांक के साथ गुणा और एक अन्य अचर राशि के योग के रूप में लिखते हैं अब जब इसे आप आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा m इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस एन और आगे सरल कर सकते हैं 2m एम इंटू एक्स प्लस थ्री एम प्लस एन अब हम गुणांकों की तुलना कर सकते हैं देखिए यहां पर x है यहां पर भी x है यहां पर थ्री है और यहां पर टू एम है तो आपको मिल जाएगा टू एम इक्वल टू थ्री या फिर m इक्वल टू थ्री अपॉन टू ये एक अचर अच्छा राशि का मान हमें मिल चुका है दूसरा है थ्री एम प्लस एन थ्री एम प्लस एन इक्वल टू यहां पर है ये माइनस थ्री तो यहां से आप लिख सकते हैं एन इक्वल टू माइनस थ्री माइनस थ्री एम इक्वल टू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू एम एम का मान है थ्री बाई टू सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा टू एल सी एम ए और माइनस सिक्स माइनस नाइन मिल रहा है आपको माइनस फिफ्टीन अपॉन टू तो इस तरीके से एन इक्वल टू आपको मिल गया माइनस फिफ्टीन अपॉन टू एम और एन का मान हमें प्राप्त हो चुका है तो आई टू इक्वल टू थ्री एक्स थ्री एक्स के स्थान पर हम ये लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन थ्री बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और फिर प्लस एन और एन के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस फिफ्टीन अपॉन टू और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और ये डी एक्स दोनों पदों को हम अलग अलग सरल कर लेते हैं अलग अलग लिख लेते हैं तो ये थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा देन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस फिफ्टीन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इस प्रकार के फलन हम देख चुके हैं जहां पर इस फलन का जो मान है सरल करने पर आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री आपने यह सूत्र पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स तो इस पद का अवकलन अंश में है समाकलन करने पर आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और फिर ये माइनस फिफ्टीन अपॉन टू इस पद को फिर से हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना होगा या फिर आगे सरल करना होगा उसके लिए हम कर रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है फिर दो का गुणा कर रहे हैं और दो का भाग कर रहे हैं देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर टू तो ये जो थ्री बाई टू होगा वो वाई के फॉर्म में होगा या दूसरा पद होगा थ्री बाई टू तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए थ्री बाई टू का स्क्वायर अर्थात ये थ्री बाई टू का स्क्वायर ऐड करेंगे और थ्री बाई टू का स्क्वायर हम सब करेंगे और ये माइनस थ्री ये थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ये जो प्रथम तीन पद हैं ये एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है फिर माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा नाइन बाई फोर नाइन बाई फोर माइनस थ्री सॉल्व करने पर मिल जाएगा ट्वेल्व प्लस नाइन ट्वेंटी वन अपॉन फोर इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ट्वेंटी नाइन इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन फोर तो ट्वेंटी वन अपॉन फोर को हम लिख सकते हैं इसको रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू और इसका स्क्वायर और आपको ये पता है कि इस प्रकार का जो फलन है ये इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्मूले को बिलोंग करता है जो कि होता है वन अपॉन टू ए इन टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इस सूत्र का उपयोग करके हम इसे आगे सरल करके लिखेंगे इसको इस सूत्र की सहायता से हम आगे सरल करके लिख सकते हैं ये आई टू इक्वल टू थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन अपॉन टू वन अपॉन टू ए तो वन अपॉन टू इन टू ए और एक स्थान पर यह है रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू टू ए हो गया फिर लॉग ऑफ एक्स माइनस ए तो ये एक्स प्लस थ्री बाई टू माइनस ए तो ये रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू और फिर अपॉन एक्स प्लस ए तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस थ्री बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर ट्वेंटी वन अपॉन टू और प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c समाकलन नियतांक है, है आगे सरल कर लेते हैं ये आपको मिल जाएगा थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा और ये रूट ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन ये टू और टू कैंसिल ये टू और रूट ट्वेंटी वन फिर लॉग ऑफ देखिए ये टू और टू यहाँ पर नीचे में भी हर में भी एल जो आएगा वो टू आएगा तो इस तरीके से अंश में आपको मिल रहा है टू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू एक्स प्लस, प्लस रूट ट्वेंटी वन और ये प्लस सी ये आपको मिल चुका है आई टू का मान और आई जो समीकरण एक है समीकरण एक से उसमें हम ये मान रख देते हैं तो आई इक्वल टू एक्स माइनस आई टू और आई टू का मान है थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन अपॉन टू रूट ट्वेंटी वन एंड टू लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ट्वेंटी वन प्लस सी तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अगला प्रश्न दिया गया है कि x अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है तो यदि आप हर को ध्यान से देखें और इसका समाकलन करें यदि आप हर में ध्यान दे और हर में जो राशि दी गई उसका औकलन करें टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का तो आपको मिल जाएगा फोर एक्स प्लस टू या फिर आप टू यहाँ से अगर उघनिश निकाल लें तो आपको मिल जाएगा टू एक्स प्लस वन तो अंश को हमें दो अलग अलग भागों में बांटने के लिए या तोड़ने के लिए कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट करना होगा कि अंश में हर के अवकलन वाला पद हमें मिल जाए तो इस प्रकार उसे बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार समायोजन करेंगे माना कि आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन टू एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू को डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स हमें मिल चुका है अब प्लस वन करना होगा तो ये वन बाई टू टू एक्स प्लस वन वन एड कर रहे हैं तो वन सब भी करना पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे ये डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अब ये पद को अलग और इस पद को हम अलग लिख करके सरल करेंगे तो ये वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वन बाई टू माना कि ये आई वन माइनस आई टू है समीकरण एक मान लेते हैं जहां पर आई वन ये प्रथम पद है और आई टू यह द्वितीय पद है तो अब हम आई वन को सरल करते हैं आई वन इक्वल टू इंटीगेशन साइन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स इसके लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना होगा कि माना टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा फोर एक्स यहां से मिल जाएगा फोर एक्स प्लस टू इन टू डी एक्स इक्वल टू डी टी या फिर टू इन टू एक्स प्लस वन डीएक्स इक्वल टू डी टी और फिर आप लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू तो इस प्रतिस्थापन का उपयोग हम यहां पर करेंगे तो टू एक्स प्लस वन को आप लिख सकते हैं डी टी अपॉन टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री को आप लिख सकते हैं टी तो इसका समाकलन मिल जाएगा लॉग ऑफ टी और डायरेक्टली आई वन इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ टी और टी का मान हाँ पर सीधा रख देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो ये हमें आई वन का मान हमें मिल चुका है अब हम आई टू का मान निकालेंगे और फिर समीकरण एक में वह मान रख देंगे आई टू इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्रश्नों को हम पिछले प्रश्नावली में सरल कर चुके हैं तो यह Dx upon, पहले हम दो को निकाल लेंगे तो मिल जाएगा x plus x plus 3 2. अब ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर उस फॉर्म पर यह आएगा तो उसे सरल करने के लिए वन बाई टू यहां से कॉमन ले रहा हूं या साइन के बाहर ले रहा हूं ये एक्स स्क्वायर टू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं टू को डिवाइड कर रहा हूँ पहला पद है एक्स तो दूसरा पद है इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वन बाई टू का स्क्वायर अर्थात वन बाई फोर एड करना पड़ेगा और वन बाय फोर सब करना पड़ेगा अब यहां से लेकर यहां तक अर्थात प्रथम तीन पद जो है ये हमें पूर्ण वर्ग दे जाएगा ये वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा लगुत आ जाएगा चार या फोर और ये मिल जाएगा सिक्स माइनस वन तो मिल जाएगा फाइव बाई फोर तो इस तरीके से आप से लिख सकते हैं वन बाय टू स्क्वायर रूट ओवर डीएक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर फिर प्लस फाइव बाई फोर को हम लिख सकते हैं रूट फाइव टू का स्क्वायर अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन किस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो इस सूत्र का उपयोग करके हम डायरेक्टली इसका समाकलन ले सकते हैं वन बाई टू ये सूत्र से है फिर वन बाई ए और A के स्थान पर ये है तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फाइव अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और एक्स के स्थान पर है एक्स प्लस ए और A के स्थान पर है स्क्वायर रूट फाइव बाई टू और प्लस सी यहां पर समाकलन नियतांक हम लगा सकते हैं आगे जब आप सरल करेंगे तो ये जो टू है ये अंश में चला जाएगा और ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वन बाई स्क्र रूट ओवर फाइव टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट फाइव प्लस सी अब समीकरण एक में हम मान रख दें तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन जो हमने निकालना था आई तो आई इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू लॉग टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन बाई रूट फाइव टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट फाइव और ये कांस्टेंट को मैं सी वन लिख रहा हूं अब इसे जब आप सरल करेंगे तो आई इक्वल टू मिल जाएगा वन बाई टू वन बाई टू मिल जाएगा वन बाई फोर लॉग ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और इसको इसका मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू बाई टू रूट फाइव और फिर ये टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट फाइव प्लस सी वन जहां पर सी वन समाकलन नियतांक है ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था